नमस्कार। 1 फरवरी 2019, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन? दोस्तों, कृष्ण पक्ष चल रहा है, शुक्रवार का दिन है और द्वादशी तिथि जो कि शाम को 7 बजे तक है। मूल नक्षत्र रात को 9:07 तक है। हर्षण योग रहेगा आज और तैतिलकरण है, शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन राहु काल की जो स्थिति है वो सुबह 10:30 से लेकर 12:30 तक रहती है। लाभ की चौगड़ियाँ सुबह 7:30 से 9 बजे तक और अमृत की 9 से 10:30 बजे तक। मेष राशि के दर्शकों, आपके लिए आज का जो दिन रहेगा वह चुनौतियों से भरपूर रहेगा। काम बिल्कुल भी स्मूथली नहीं बनेंगे। जाएंगे और वापस भी लौट के आ जाएंगे, कुछ इस प्रकार की स्थिति रहेगी। हताश ना हो, समय है, परिवर्तनशील है, निकल भी जाएगा। वृष राशि, चंद्र शनि का विषयोग अष्टम भाव में, घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और स्वयं को भी ध्यान रखना पड़ेगा, पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। लाभ की बढ़ोतरी होगी, मन से थोड़े से व्याकुल रहेंगे। मिथुन राशि, वैवाहिक जीवन पीड़ा में जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखें, यही हिदायत रहेगी मेरी आपके लिए। कर्क राशि, छठे भाव में पीड़ा रहेगी, रोग चोट शत्रुओं का बाधा आपको पहुंच सकता है। बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं और वाहन धीमी गति से चलाएं। बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए जो आज का समय है वह मिला जुला रहेगा, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। केंद्र में बैठे हुए गुरु चीजों को बैलेंस आउट कर लेंगे। कन्या राशि, मन से पीड़ित हो जाएंगे, मां के साथ डिस्टर्बेंस रहेगी और राशि का स्वामी भी बुरी तरीके से पीड़ित है, जिस वजह से दिक्कत आएगी। तुला राशि के दर्शकों, साहस में वृद्धि होगी, कार्य बनने लगेंगे, जो लंबे काम हो जिनमें तप ज़्यादा लगेगा वह अभी नहीं करने चाहिए, थोड़ा सा इंतज़ार करें, कम से कम 2 दिन का, मंडे से शुरुआत कर सकते हैं। और थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, छोटे भाई-बहनों से कम बनेगी आज, उनसे कुछ नोकझोंक हो सकती है। वृश्चिक राशि, आपके शरीर के ऊपर गुरु बैठा है, गुरु आपको शरीर से पीड़ित करेगा, पर अच्छी बात यह है कि ये पीड़ित करेगा और साथ साथ में आपके काम भी बनाएगा, आपके भाग्य की भी वृद्धि करेगा, आपके एजुकेशन को भी मजबूत करेगा, आपको कंपटीशन वगैरह में भी सफलता दिलवाएगा। बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए जो स्थिति है वह अच्छी रहेगी, लाभदायक है,
मंगल चतुर्थ भाव में बैठ करके सुख साधनों को बढ़ाएगा। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि आज का दिन अच्छा होगा, पर धन का लेन देन बहुत सोच समझ के करें और बहुत केयरफुली करें। मकर राशि के दर्शकों, आपके लिए आज का जो दिन है वह खर्चीला अवश्य रहेगा, गलत कामों के ऊपर थोड़ा योजना बना के कार्य करें, यही आपसे कहना चाहूँगा। लाभ में कमी आएगी। कुंभ राशि की जो स्थिति है वह सामान्य व्यतीत होगी, कोई मेजर चेंजेस नहीं है, नॉर्मल दिन जाएगा, ना अच्छा और ना ही बहुत बुरा। मीन राशि, आपके लिए आज कर्म भाव के ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव होने के कारण कर्म की मजबूती होगी, मेहनत का रिजल्ट मिलेगा, कर्म की मजबूती होगी, मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। समय आपके लिए अच्छा है, फेवरेबल है, पर साथ साथ में थोड़ा सा ध्यान भी रखिए, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा, यही मेरा आपसे निवेदन भी रहेगा। दोस्तों, यदि आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठित रत्न खरीदना चाहते हैं, या आप हमसे पूजा पाठ कराना चाहते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।